चाहिए तो हमारे स्नैनरीज भी है। अगर हम इस गाड़ी को कंपेयर करें कन्वेंशनल व्हीकल के साथ, जैसे कि मेहरान जो होती है 800 cc, वो अगर कर हमें 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही थी तो वो 1000 rupees कंज्यूम करती थी। अगर हम अपनी इलेक्ट्रिक कार को 80 किलोमीटर ट्रैवल करवाएं तो ये हमें सिंपली 100 rupees पड़ेगी। तो ये इसका डिफरेंस है इलेक्ट्रिक कार का और कंबस्चन व्हीकल का। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई भी इलेक्ट्रिक कार अभी मैन्युफैक्चरिंग लोकली बिल्ड नहीं हो रही है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा ही बहुत राइट टाइम है कि इलेक्ट्रिक कार इंट्रोड्यूस कराए पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि अभी तक कोई भी नहीं है। तो फिर हमें ये आइडिया आया और तो फिर हमने अपने इसको एज FIP स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम मोहम्मद लोहार है और हमने जब ये प्रोजेक्ट शुरू करा था तो हमारा एक विजन था। हमारे सुपरवाइज़र और स्पॉन्सर डॉक्टर आबिद करीम जो हमारे सुपरवाइज़र है और हमारे स्पॉन्सर जो ई मोबिलिटी से सैयद आसिफुल हसन है, हमारा ये विजन था कि हम एज अ प्रोडक्ट इसको लॉन्च करें और प्रोडक्ट के लिए हमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे जाना पड़ेगा। इसके लिए हम गवर्नमेंट से चाहेंगे कि इंसेंटिव दिए जाएँ, सब्सिडीज़ दी जाएँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार फ्यूचर हैं पूरी दुनिया में। 2030-2040 तक जो है पूरी कंबशन इंजन व्हीकल इंडस्ट्री शिफ्ट हो चुकी होगी इलेक्ट्रिक कार पे। हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी यही हो और हम इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो जाएं। बुनियादी फ़र्क ये है कि जो पेट्रोल कार होती है वो इंजन और पेट्रोल पे ड्राइव होती है, ICV इंजन कहलाती है, इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है जो कंबस्शन इंजन के उस पर ड्राइव करती है पेट्रोल कार, जबकि इलेक्ट्रिक कार जो होती है वो बैटरी की मदद से ड्राइव होती है, बैटरी और मोटर की मदद से। टाइप स्टार्ट किया है, इसमें हम जो किट यूज़ कर रहे हैं उसको हमें किट बना के अगर हम देंगे तो उसकी कीमत आएगी 2-3 lakh रुपये, लेकिन एज अ प्रोडक्ट जब हम इसको लॉन्च करेंगे तो हम इसे 5-10 lakh के ब्रैकेट में अवेलेबल कराएंगे ताकि आम लोग इसे खरीद सकें। अभी जो हमारा जो सेगमेंट है, जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, इसे हम लो स्पीड EV सेगमेंट में लाते हैं। इंटरनेशनली ये लो स्पीड EV सेगमेंट में आता है और इसकी स्पीड जो है 50 km/h है। इसमें हमने 7 kWh का बैटरी पैक लगाया है जो वन चार्ज में अप टू 80-100 km तक चल सकता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स। अगर 2 लोग बैठे हैं तो 100 km तक चल सकता है, अगर 4 लोग बैठ के जा रहे हैं तो 80 km तक चल सकता है। और उस पर जो हमारी कॉस्ट आएगी वन चार्ज पे वो अराउंड 100 rupees आएगी, मतलब 100 rupees में हम इसे चार्ज कर सकते हैं और उसके बाद 80 km तक ट्रैवल कर सकते हैं। दरकार था वो टोटल 6 months लगे हम लोग को इस कार को कंप्लीट करने के अंदर, और इसके साथ साथ हमने इसका रिसर्च वर्क भी कंप्लीट करा है और इसके साथ साथ हमने इसका टेस्ट एनालिसिस रिजल्ट भी कंप्लीट करा है हमने। इसकी जो कॉस्ट हमें आई है वो 2 lakh to 3 lakh के दरमियान आई है, और ये अगर गाड़ी आपकी अपनी है तो ये खर्चा एक नॉर्मल पर्सन मिडिल क्लास पर्सन बेयर कर सकता है। और एक ये EV के ऊपर आने के लिए एक खुशाइन या एक न्यू वे है कि पाकिस्तान के अंदर EV इंट्रोड्यूस हो सकती है, रेट्रोफाइड हो सकती है उनकी कार, जो कि लोग करवाना चाहते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये रक्षे भी खड़े हुए हैं और शटल भी है, और हमारा प्लान जो बेसिकली यही है कि हमने गाड़ी भी उस सेगमेंट में लॉन्च की है, छोटे सेगमेंट में, छोटी जो कार्स होती हैं वो, और जो मिडिल क्लास लोगों के लिए अवेलेबल करा सकें। रक्षे भी हमने इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट करे हुए हैं, शटल भी हमने इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट करी हुई है, और हम 70 cc बाइक को भी इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए रिक्शों की कन्वर्जन में भी तकरीबन उतना ही खर्चा आएगा जितनी एक छोटी स्मॉल सेगमेंट की कार में आएगा, क्योंकि रिक्शे जो हैं वो कमर्शियली यूज़ होते हैं तो उसमें हमें बैटरी पैक बड़ा लगाना पड़ता है ताकि वो ऑल अलॉन्ग द डे चलते रहें और कमर्शियली उस पर काम हो सके।
और इसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ही हमें स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं और इन्वेस्टर्स हमारे साथ आके जुड़ते जाते हैं तो हम इसे अगले साल तक लॉन्च कर सकते हैं मार्केट में।